अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में, 13.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलनाकार आकार का है जिसके दोनों सिरों पर दो अर्धगोलाकार, इधर भी एक ये बीच में बेलन है, इधर एक सिरा पर अर्धगोलाकार और इस सिरा पर एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है, यानी कि दो अर्धगोलाकार लगा हुआ है। अब कह रहा है कि पूरे कैप्सूल का लंबाई, पूरा कैप्सूल यहाँ से यहाँ तक का होगा 14 mm दिया हुआ है, और कह रहा है कि इसका व्यास है 5 mm, 5 मिलीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है, ये 5 mm है। तब कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले अगर यहाँ हम लोग देखें तो ये बेलन है, और बेलन का हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट का केवल यहाँ निकालना है, ये जो है इस पार्ट का नहीं निकालना है, और एक पार्ट ये है इसका निकालना है और इधर इसका निकालना है। यहां से देख सकते हैं ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अगर यहां पर देखें इसमें हम लोग तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पर कैप्सूल का देखें इधर का पार्ट को नहीं लेना और इधर का भी पार्ट को नहीं लेना है, अभी अगर बेलन में देखें तो केवल इसका पार्ट लेना है क्योंकि कैप्सूल में इधर से खाली रहता है, दवा भरा हुआ रहता है। हाँ, इधर से इसका अर्धगोलाकार लगा हुआ है और इस ओर भी अर्धगोलाकार लगा हुआ है, ये इसका वक्र के साथ साथ ये अर्धगोला का जो ऐसा लगा हुआ है, ये अर्धगोला का वक्र यहाँ पर, ये इसका वक्र, तो इसलिए यहाँ पर बेलन का वक्र और ये दोनों अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेना है। तो इससे पहले लिख लेते हैं ये बेलन का और ये अर्धगोला का व्यास कितना होगा, बेलन और अर्धगोला का व्यास अगर लिखें तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, 5 मिलीमीटर दिया हुआ, इसका त्रिज्या अगर निकालना चाहे तो हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर होगा। और अब यहां से निकाल लेते हैं हम लोग बेलन का, ऊंचाई निकाल लेते हैं जो कि यहाँ लंबाई होगा, ऊंचाई या लंबाई मान लें, तो कुल लंबाई दिया हुआ 14 mm 14 मिलीमीटर। अब अगर यहां देखें ये पूरा इस तरह से गोल होता है, यहाँ इसका त्रिज्या अगर यहाँ से यहाँ मापे थे क्या होगा, त्रिज्या होगा क्योंकि हमको यही घटाना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो है बेलन यही तक है, तो यहाँ से इधर माइनस करेंगे जो कि अर्धगोला का त्रिज्या है, सेम वही चीज यहाँ भी करना, यहाँ से इधर को माइनस कर देना, मतलब कि दो त्रिज्या को माइनस कर देना है। तो एक त्रिज्या कितना है 5/2, दो त्रिज्या 2 से गुना कर देंगे, 2 कट गया 5 बच गया, तो 14 में 5 माइनस करेंगे तो 9 मिलीमीटर होगा। अब यहाँ कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकाला जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस करना होगा दोनों अर्धगोला का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र यहाँ इसलिए क्योंकि इस पार्ट का निकालना नहीं है हमें, ये बाहर का जो बाउंड्री लाइन दिख रहा है इसका निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर 2πRh हो जाएगा, और दोनों 2 से गुना कर देंगे, एक अर्धगोला का होता है 2πR² होता है, इसमें R और ये R दोनों सेम लिए हैं क्योंकि दोनों का त्रिज्या सेम है, 2 का 2 होगा, पाई का वैल्यू 22/7 बैठा देते हैं, आर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 5/2 बैठा देते हैं, और एच का वैल्यू निकल कर आया है 9, यहाँ 9 बैठा देते हैं, प्लस होगा 2 × 4 हो जाएगा, और पाई का वैल्यू 22/7 होगा, और आर स्क्वायर, आर जो था 5/2, तो इसे 2 बार गुना कर देंगे, 5/2 × 5/2। अब यहां से अगर देखें तो ये 2 और 2 कटेगा, और ये 2 × 4 और ये 4 कट जाएगा, यहां से हो गया 22/5 = 110 को 9 से गुना करेंगे तो 990 और बटा में 7, और प्लस
यहां से अगर इसे गुना करें तो बटा में सात का सात रहेगा, 22 बचे 110, 110 को अगर 5 से गुना करें तो 550 हो जाएगा। और अब यहां से इसका भिन्न का जोड़ अगर कर दे तो 7 होगा और 950 भिन्न का जोड़ में अगर नीचे सेम होता है 77 जिस तरह से यहाँ है इस तरह से रहता है तो ऊपर वाला सेम जुड़ जाता है। 990 और 550 को अगर जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा, 10 का 10, 9 और 5 यहाँ 14 का 4 हाथ में 1, 5 और 9 हो जाएगा 14 और एक हाथ वाला 15 ये आ जाएगा। इसको अगर चाहे तो भागा दे देंगे और नहीं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ये मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ काट दे तो कट जाएगा ये, यहाँ पर ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14 दो बार में कट रहा है, 1 बच गया 1 यहाँ बैठा देंगे तो 14 हो गया, 7 दूनी 14 और ये 1 0 का 1 0 बैठ जाएगा। इसका यूनिट दिया हुआ था मिलीमीटर में तो यहाँ हो जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा।